1 नवंबर से धान खरीदी का महापर्व शुरू हो गया है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के कवर्धा में खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत की गई। धान खरीदी के पहले दिन जिले में 19 धान खरीदी केंद्रों में 45 किसानों ने धान बेचने के लिए टोकन लिया। आपको बता दें कि किसानों से पहले दिन 1466 क्विंटल धान की खरीदी की गई। तो वहीं किसान टोकन तुरंत हाथ ऐप के माध्यम से 895 किसानों ने ऑनलाइन टोकन प्राप्त किए। कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों ने बताया कि कबीरधाम जिले में बहुतायत वर्ष देर से पकने वाले किस्मों की धान की बुवाई की गई थी। साथ ही इस वर्ष लगातार बारिश होने से खेत सूख नहीं पाया, अधिक गीली होने की वजह से धान की कटाई नहीं हो पाई है। इधर कृषि उपसंचालक राकेश शर्मा का कहना है कि जिले में मात्र 2% धान की कटाई हुई है। आने वाले 15 दिनों के बाद जिले में धान कटाई का प्रतिशत लगातार बढ़ता जाएगा।